नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। इस समय सोशल मीडिया पर श्रीराम चरितमानस के बाल कांड में चमकीला बाल निकलने की खबर जमकर वायरल हो रही है। कई लोग रामायण में बाल निकलने का दावा कर रहे हैं तो कई लोग बाल निकलना किसी अनिष्ट का प्रतीक बता रहे हैं। कुछ लोग बाल को गंगा जल में डुबोकर वही गंगा जल पी रहे हैं। सोशल मीडिया की इस वायरल खबर की पड़ताल हमारी टीम ने हमीरपुर जनपद जाकर की। आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। हमीरपुर जनपद में कई लोग इस दावे की पुष्टि कर रहे हैं। लाठ कस्बे सहित ग्रामीण इलाके में बाल निकलने पर इसे गंगा जल में डालने की सलाह दी जा रही है, जिसके बाद लोगों ने बाल को गंगा जल में डालकर घर के पूजा स्थान पर सुरक्षित रख दिया। इसमें से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर देखने के बाद घर में रखी श्री राम चरितमानस के बाल कांड में बाल की तलाश की। जब हमारी यूपी 24 न्यूज की टीम ने इसकी पड़ताल की और ज्योतिषाचार्य पंडित रामकिशोर त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर बाल सुनहरा है तो अलग बात है, अगर मानव का बाल है तो ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है। कई लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में बालकांड में बाल निकलता है, तो बाल एक तो अगर रामायण पढ़ी जाती है तो उसमें स्वाभाविक है कि बाल निकल सकता है, परंतु यदि बाल का रंग सुनहला है, कई लोग कहते हैं हनुमान जी का बाल है, यदि बाल सुनहला है तो बात अलग है, और यदि मानव का कोई बाल निकलता है तो वो अफवाह समझी जाएगी। इसके बाद यूपी 24 न्यूज आगे बढ़ी और श्री रामचरितमानस की पड़ताल से हकीकत पता चली। इस बात की तह तक जाने के लिए सबसे पहले हमने राठ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित संकल्प द्विवेदी से बात की। उनका कहना है कि कुछ स्थानों पर रामायण के बालकांड में बाल निकलने की जानकारी आ रही है। नियमित रामायण पढ़ने के दौरान उसमें बाल टूट कर गिरने की संभावना जताई, कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। इसके बाद यूपी 24 न्यूज की टीम ने ज्योतिषाचार्य की बात पर गौर करते हुए 6 ऐसी रामचरितमानस में बाल की तलाश की जो एकदम नई थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनमें से एक में भी कोई बाल का टुकड़ा नहीं मिला। 3 ऐसी रामायण में भी कुछ नहीं मिला जिनको साल में एकाध बार ही पढ़ा जाता है। 3 ऐसी रामायण का भी अध्ययन किया गया जिनसे रोज पाठ किया जाता है, उनमें से एक में बहुत छोटा सा बाल देखने को मिला। हमारी इस पड़ताल से ज्योतिषाचार्य पंडित संकल्प द्विवेदी के दावे को बल मिलता है। नाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं ज्योतिषाचार्य संकल्प अभिमन्यु आज आप सबके बीच एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि हमारे बीच में आज पिछले दो तीन दिन से चर्चा चल रही है कि रामायण में बाल निकल रहा है और कुछ लोग उस बाल को गंगा जल में धुलकर पूजा स्थल पर रख रहे हैं, कुछ लोग पानी को पी रहे हैं। मैं स्वयं इस पाठ का रामायण का लगभग 8-10 साल से पारायण करता चला आ रहा हूँ। मैंने स्वयं चेक किया रामायण को, कई बार चेक किया, देखा कहीं कुछ भी ना तो उसमें बाल था ना कोई अन्य पदार्थ मुझे मिले।